नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस पाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। नगर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए मिशन चौक पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही नगर को ओवरब्रिज की सौगात मिलेगी। ओवरब्रिज के अंतिम चरण के चल रहे कार्य का शुक्रवार को कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सेतु निगम और नगर निगम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर मिश्रा ने बरगवा की ओर पहुँच ओवरब्रिज प्रारंभ होने पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और वाहनों के कारण जाम की स्थिति न बने इसी व्यवस्था बनाने के निर्देश प्रदान किए। कलेक्टर मिश्रा ने अधिकारियों के साथ ब्रिज का पैदल निरीक्षण किया और दोनों ओर रहने वाले लोगों को वाहनों से गुजरने से परेशानी ना हो, इसके लिए साउंड प्रूफ बनाने कार्य कराए जा रहे हैं। कार्य की प्रगति देखी, साथ ही अंतिम चरण के कार्य मार्च तक पूरा कर लेने की तैयारी भी पूरी करने के निर्देश अधिकारियों को प्रदान किए। कलेक्टर श्री मिश्रा ने निरीक्षण के दौरान कहा कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इस बात का ध्यान रखें। इस दौरान सेतु निगम, नगर निगम अधिकारी और निर्माण एजेंसी के अधिकारी मौजूद थे। ये ओवरब्रिज जो है कटनी शहर के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो इसके लगभग 3 वर्ष से ये बन रहा था और अब ये बिल्कुल अपने अंतिम चरण की ओर है। आज मेरे द्वारा सेतु निर्माण निगम की और निविदाकार के द्वारा, नगर निगम की टीम के द्वारा इसका अवलोकन किया गया, क्योंकि अब ये काम कंप्लीट होने वाला है, इसके उद्घाटन का समय आ रहा है, तो इसमें कोई कमी ना रह जाए और सभी दृष्टिकोण से काम कंप्लीट हो, इसी को देखने के लिए हम लोग आए थे। टेक्निकल जो सभी बिंदुओं सेतु निर्माण निगम को अपने स्तर पे उसको देखना ही है, बट ट्रैफिक की क्या व्यवस्था रहेगी इसके बनने के बाद, उस पर भी हम लोगों ने थोड़ा यहाँ देखा। बाकी एक साउंड प्रूफ इसको बनाने के लिए एक अतिरिक्त कार्य किया जा रहा है, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो आसपास के लोगों को, क्योंकि बहुत बड़ा, बहुत बिजी ये पुल हमारा बनने वाला है। तो उन्हीं सब दृष्टिकोण को देखा गया है। मुझे लगता है कि होली तक ये पुल पूर्ण रूप से बन के तैयार हो जाना चाहिए, जो मैं यहाँ डेडलाइन देख रहा हूँ, और उसके बाद जब भी समय मिलेगा और जैसा भी शासन से तय किया जाएगा, इसका उद्घाटन होगा। और मैं समझता हूँ कि कटनी ज़िले के लिए बड़े गौरव की बात है कि इतने लंबे समय से हम लोग जो जैसे एक प्रोजेक्ट का वेट कर रहे थे, वो कंप्लीट होगा। और इसी प्रकार जब ग्रेड सेपरेटर का भी काम हो जाएगा, बड़े कम शहर ऐसे हैं कटनी जैसे, जहाँ एक पुल के ऊपर से दूसरा पुल, एक ट्रेन का पुल, एक रोड का पुल, मैं समझता हूँ अपने आप में एक हमारे लिए, एक आसपास के सभी लोगों के लिए और देश में भी एक आकर्षण का भी बिंदु रहेगा, एक इंजीनियरिंग मार्वल भी है ये, तो इसलिए भी ये हमारे लिए गौरव की बात है। बट एक प्रशासन के रूप से हम बस यही देखने आए थे कि काम समय पर